चूक सब धोबे सिराए, हाथ जोड़ कर मदन खड़ाए। आप सभी के सन्मुख आए, आप सभी से नम्र निवेदन करिए आकर मेरी सहाय। आप सभी से नम्र निवेदन करिए आकर मेरी सहाय। हे प्रभु, अवधपुरी की पावन गाथा मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहती हूँ, सुनाइए ना भोलेनाथ। हे देव, आज मैं आपको अयोध्या का संपूर्ण बखान सुना रहा हूँ, सुनिए। सरयू नदी के किनारे दक्षिण की ओर ये नगर बसा हुआ है। हे देवी, जब ये पृथ्वी या आकाश कुछ भी नहीं था, तब एक बार परमपिता ब्रह्मदेव जी ने सृष्टि की रचना करने का विचार किया और श्री हरि विष्णु का ध्यान लगाकर बैठ गए। ब्रह्मा जी की तपस्या देखकर श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने श्री हरि से निवेदन किया कि मैं सृष्टि की रचना करना चाहता हूं। यह सुनकर भगवान विष्णु के नेत्र कमल से एक अश्रु की बूंद निकल पड़ी। ब्रह्मा जी ने उस अश्रु को अपने कमंडल में रख लिया। हे पार्वती, फिर ब्रह्मा जी ने उस अश्रु को मानसरोवर में छोड़ दिया। उस एक अश्रु से मानसरोवर में जल ही जल हो गया। हे परमपिता ब्रह्मदेव, मेरी सहायता करें प्रभु, मैं आपसे आज कुछ मांगने आया हूँ। मांगिए। हे प्रभु, अवधपुरी में जल का संकट आन पड़ा है, इसका निवारण करने के लिए मुझे एक सरिता प्रदान करें प्रभु, जिससे अवधवासियों का कल्याण हो जाए। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को आई सरयू मैया अवध के द्वार, इस दिन होती इनकी पूजा, धूप दीप जल विविध प्रकार, इस दिन श्री सरयू की झांकी, भक्त नारी व नार, काम क्रोध मद लोभ
पार्वती, एक समय चक्रवर्ती राजा सम्राट राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और चरण पकड़कर कहते हैं, हे गुरुवर, क्या मेरा जीवन निःसंतान ही बीत जाएगा? क्या मुझे संतान का सुख देखने को नहीं मिलेगा? बिना संतान के ये राजमहल शमशान की तरह लगता है गुरुवर, शमशान की तरह लगता है। हे राजन, पुत्र पाने के लिए तुम्हें पुत्रेष्टि करना होगा। साधु, सन्यासी, ऋषि मुनि सभी को अवधपुरी में आने का निमंत्रण भेजा जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। हे देवी, अवधपुरी में साधु सन्यासियों की भीड़, यज्ञ प्रारंभ और यज्ञ वेदी से अग्निदेव का प्रकट होना, हाथ में खीर का कटोरा लिए हुए राजा दशरथ के पास जाना और उनसे कहना, हे पार्वती, चैत मास की नौवीं तिथि को अवधपुरी में भगवान श्री हरि विष्णु चार अंश में प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, पदम, ये चार अंश महाराजा दशरथ को पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। अयोध्यापुरी में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे चारों पुत्र बढ़ने लगे और एक दिन गुरु विश्वामित्र अयोध्यापुरी में पधारे। करते विघ्न महान पूजा करन न
मुनिवर विश्वामित्र, मेरे बालक तो अभी बहुत छोटे हैं और अभी युद्ध कला भी नहीं जानते। उन्हें मैं आपके साथ वन में कैसे भेज दूं? अयोध्या की चतुरंगणी सेना ले जाइए, मैं स्वयं आपके साथ चलता हूं, परंतु अपने पुत्रों को नहीं भेज सकता। सन्मुख गए हैं आज विश्वामित्र को रोक लिया है। राजा को है रह समझाए, राजन वचन दिया है तुमने, वचन से अपने डिगना ना, राम लखन को वही बुला कर। राजा ने है दिया गाय, राम लखन को वही बुला कर। राजा ने हे देवी, मुनिवर विश्वामित्र राम लखन को लेकर ताड़क वन की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें ताड़का मिल जाती है। सावधान! बालक लेकर मेरी नजरों से छुपकर भाग जाना चाहते थे, परंतु जाओगे कहाँ से? छोटे छोटे धनुष बांधर लेने से वीर नहीं हो जाते, ये मुझे मारेंगे जिनके दूध के दांत नहीं टूटे। सावधान, अब तुझे तीनों लोकों में कोई नहीं बचा सकता। लो बचो। ये क्या, महाराज की माता को उन दो बालकों ने मार दिया? चलो महाराज मारीच और सुबाहु को अभी बताना होगा। हे प्रिय, विश्वामित्र का यज्ञ सफल कराने के लिए सुबाहु को मारकर वैकुंठ धाम पहुंचा दिया और मुनि का यज्ञ सफल करा दिया। तभी जनकपुरी से एक सैनिक संदेश लेकर वहां आता है। महर्षि विश्वामित्र के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। कहिए सैनिक, क्या संदेश लेकर आए हैं आप? हे महर्षि, महाराजा जनक ने अपनी पुत्री राजकुमारी सीता का स्वयंवर रचा है और आपको सादर आमंत्रण भेजा है, इसे स्वीकार करें महर्षि। सैनिक, हमें आमंत्रण स्वीकार है, हम अवश्य पधारेंगे। धनुष पे अपना बल दिखलाए, लेकिन उनसे
महान महाराज जनक, मैं ऐसी बातें कदापि नहीं सुन सकता। अगर मेरे भैया राम मुझे आदेश करे तो ये धनुष तो क्या मैं ब्रह्मांड के भी सौ टुकड़े कर सकता हूँ। शांत हो जाओ कुमार लक्ष्मण, शांत हो जाओ। हे उमा, जब प्रभु श्री राम ने पिनाक धनुष की डोरी चढ़ाई तो वह टूट गया। ये देख सभा में बैठे सारे राजागण जय जयकार करने लगे। राजकुमारी सीता अपनी सखियों के साथ धीरे धीरे हाथ में वरमाला लेकर सभा भवन में पहुंची और श्री हरि विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम के गले में जैसे ही सीता ने वरमाला डाली, चारों ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। श्री राम और सीता को रानी सुनैना और महाराज जनक ने आशीर्वाद दिया और सुंदर रथ पर बैठाकर धन वैभव के साथ विदा कर दिया। ऐसा क्या हो रहा है मंत्रा? क्यों इतना चिल्ला रही हूँ? अरे तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम है महारानी, कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। क्या हुआ? तुम्हारी सौतन कौशल्या ने महाराज को प्रसन्न करके अपने पुत्र राम को गद्दी पे बिठा लेने का निश्चय कर लिया है। जब राम राजा बन जाएगा तब आप और आपका पुत्र भरत खड़े रहना दास और दासी बनकर। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा ही हो रहा है महारानी, ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए मंत्रा, तुम्हें पता? सुनो महारानी, आप इसी समय कोप भवन में चली जाओ और सारा सिंगार उतार दो। जब आप सारा सिंगार उतार दोगे महाराज आपके पास आएंगे, तब उन्हें अपने दो वचन याद दिलाओ। वचन बद करके ही मांग लो जो मांगना है। मैं ऐसा ही करूँगी मंत्रा, मैं ऐसा ही करूँगी। दशा बनाए किसने तेरा
महाराज, पहले आप मुझे वचन दीजिए, मैं जो भी मांगू उसे आप पूरा करेंगे। बस इतनी सी बात है कैकई, लो हमने तुम्हें वचन दिया, मांगो। क्या मांगना चाहती हो? सोच लो महाराज। रघुवंशी, वचन देकर सोचते नहीं है रानी कैकई, मांगो। क्या मांगना चाहती हो? कह गई, मैं आज तक यही समझता रहा कि तुम राम को प्राणों से ज्यादा स्नेह करती हो, परंतु आज तुम्हारे इस रूप ने सारा भेद खोल दिया। मैं राम की जगह भरत को गद्दी पर बैठाने के लिए तैयार हूं रानी, पर राम को बन जाने के लिए मत कहो। राम तो मेरे प्राण है, उन्हें वन भेजकर भला मैं कैसे जीवित रह सकता हूं। तुम्हें और जो कुछ चाहिए सब कुछ ले लो रानी, परंतु राम को वन भेजने का प्रस्ताव हटा लो, हटा लो रानी, हटा लो। महाराज, आप तो कहते थे रघुवंशी वचन देकर टालते नहीं, अब वचन पूरा करने में कैसी हिचकिचाहट। मुझे मेरे दो वचन चाहिए राजन, चाहिए। हे देवी, राम, लक्ष्मण और जनक नंदिनी सीता तीनों गेरुए वस्त्र धारण करके अयोध्या नगरी से बाहर निकले। अवध के नरनारी ये देखकर फूट फूट कर रोने लगे। श्रृंगवेर पहुंचकर राम ने अपने मित्र निषाद राज को बुलवाया और उनसे वार्तालाप करते हुए एक रात वहीं व्यतीत की, और प्रातःकाल उठकर राम, लक्ष्मण, सीता निषाद राज के साथ गंगा किनारे पहुंचे और केवट को आवाज लगाई। ओ केवट भैया, नाव इस पार लाइए, हमें गंगा पार जाना है। धन्य है मेरे भाग्य जो भगवान आज आपके दर्शन हो गए। हे केवट भैया, बैतरणी गंगा मैया से हमें उस पार लगा दो। हे भगवान, मैं आपको अवश्य गंगा पार उतार दूंगा, परंतु आपको पहले अपने चरण धुलवाने होंगे। हे
ने कर लिया सवार, नाव चली गंगा की धारा। केवट प्रभु को रहा निहार, कुछ ही समय में तीनों जनों को कर दिया गंगा जी के पार। कुछ ही समय लो भगवान, हम गंगा जी के पार आ चुके हैं। लो केवट भैया, ये मुद्रिका आपकी उतराई। ये क्या भगवान, एक केवट दूसरे केवट से भला उतराई कैसे ले सकता है? आज आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार कर दिया। कल जब मैं आपके घाट आऊँगा तो आप मुझे बैकुंठ से पार लगा देना भगवान। बड़ी तेज भूख लगी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो बगिया से थोड़े फल खा लूं। जाओ पवन पुत्र, जाओ फल खा लो। हे देवी, सीता की आज्ञा मानकर वीर हनुमान वाटिका में गए, फल खाए और तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे और वहां के मालियों को मार मार कर भगा दिया। जब यह खबर रावण को लगी तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान ने अक्षय कुमार को एक मुक्का मारा जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब रावण ने अपने पुत्र इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत ने हनुमान को ब्रह्म फांस में बांधकर विलंका में ले आया। उन्होंने कपि की पूछ में आग लगा दी, जिससे हनुमान ने लंका ही जला डाली और वापस आकर सारा हाल प्रभु राम को बतलाया। प्रभु श्री राम सेतु बांधकर लंका में पहुंचे और रावण की अक्षौणी सेना का विनाश कर दिया। ये देखकर रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को समर भूमि में भेजा। मेघनाद और शेष अवतार लक्ष्मण जी का घनघोर युद्ध छिड़ गया। कहो गुप्तचर, क्या संदेश है? महाराज, छोटा तपस्वी जीवित हो गया है और वानर सेना ने लंका को चारों ओर से घेर लिया है। क्या? अब पाएगा मजा। सैनिक जाओ और मेरे अनुज कुंभकर्ण को जगाकर मेरे सामने पेश करो।
कहिए महाराज, आज मुझे नींद से क्यों जगाया गया? अनुज कुंभकर्ण, आज लंका पर विपत्ति आन पड़ी है। पांडवों की सेना ने आक्रमण कर दिया है और हमारे बड़े बड़े योद्धाओं को मृत्यु के घाट उतार दिया है। उन दो तपस्वियों ने हमारी बहन सुपर्णा के नाक कान काट दिए, जिसका बदला लेने के लिए हमने उनकी नारी का अपहरण कर लिया है। भैया, आपने उनकी नारी का नहीं, जलती हुई ज्वाला का हरण किया है। राधा कुंभकर्ण, ये समय सीख देने का नहीं, युद्ध करने का है। जाओ और जाकर उन बंदरों को गाजर मूली की तरह खाओ। जाओ, खाली हाथ वापस मत आना अनुज। जो आ गया भैया। अब आएगा मजा। धरती पर उस दिया लिटाए, बानरी सेना हंसी खुशी से विजय नगाड़ा रही बजाए। युद्ध स्थल की सुन के कहानी, मेघनाथ रावण ढिग आए। पिताजी आप मत कर चिंता, कल युद्ध स्थल पहुँचू जाए। राम कुमारू लखन कुमारू उनका मस्तक दऊंगा। ये रथ देख रहे हैं प्रभु, ये मेघों के समान उड़ने वाले मेघनाथ का रथ है और वो युद्ध की आशा लेकर आ रहा है। जाओ लक्ष्मण, मेघनाथ से युद्ध करके उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति कराओ। जो आज्ञा भैया। हे देवी, ये युद्ध मुझसे नहीं देखा गया। क्यों स्वामी? देवी, लक्ष्मण जी शेष नाग के अवतार है और सुलोचना उनकी पुत्री है। अपने ही हाथों से एक पिता अपनी पुत्री का सिंदूर कैसे मिटा सकता है? देवी, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया। जब यह खबर रावण को लगी तो रावण आग बबूला हो गया। देवी पार्वती, राम और रावण का ये युद्ध देखने के लिए देवता अपने विमानों पर चढ़कर युद्ध स्थल पर पहुंच गए। रावण के शीश कटते थे और फिर जुड़ जाते थे। ये देख प्रभु राम बड़ी चिंता में पड़ गए। फिर उन्हें विभीषण ने बताया कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है। राम ने एक बाण चलाकर उस अमृत कुंड को सुखा दिया और ब्रह्मा की दी हुई अमोघ शक्ति से रावण का वध कर दिया। और अंततः विभीषण का राज तिलक कर
हनुमान से माता सीता को लाने के लिए कहा। अखियन असुआ रही बहाय राम लक्ष्मण और जानकी, संग में हनुमान सुख पाए सभी पहुंच गए अवधपुरी में। माता को रही शीस झुकाए हुआ तिलक प्रभु श्री राम का, सिंहासन बैठे सुख पाए उनके बाएं मात जानकी, जिनकी शोभा कही न जाए श्री राम की। महिमा को गाता है आए वह प्राणी श्री राम प्यारा, मन वांछित फल जाता पाए वह प्राणी श्री राम प्यारा, मन वांछित फल जाता पाए। हे देवी, भगवान विष्णु ने अयोध्या में जन्म लेकर ये मानव लीला रचाई थी। प्रभु, सुना है अयोध्या के 8 नाम हैं। हाँ देवी, जय, अयोध्या, नंदनी, रजिता, अपराजिता, चिन्मया, हिरण्या और सत्या। जो भी प्राणी अयोध्यापुरी के 8 नामों का जाप करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैं सब तीर्थों का राजा प्रयाग हूं। मनुष्यों के पाप धोते धोते मैं काला पड़ जाता हूं। रामनवमी के दिन इस पावन सरिता सरयू में स्नान करने के बाद मेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर मैं अपने धाम को चला जाता हूं। प्रभु भोलेनाथ, अयोध्या नगरी का सबसे प्रथम राजा कौन हुआ? प्रभु, मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। तो सुनिए देवी, इस नगरी की रचना ओमकार आकार से बनी है। अवध, जिसका वध ना हो सके, वहां सत्य प्रतापी ब्रह्मपुत्र
वैश्वतु मनु राजा बने। 62 पीढ़ी सत्य धर्म पालन करते हुए अनेक राजाओं ने इस अवधपुरी में निवास किया। पर हे देवी, जब जब संसार में पाप बढ़ा, तब तब ले ही हरि अवतारा। भगवान विष्णु ने चारों अंशों से इसी पुरी में अवतार लिया था और मानव लीला की थी। अयोध्या में चार पर्वत बड़े महान हैं, जो चारों तरफ अयोध्या की रक्षा करते हैं। मणिकुट, श्रृंगादि, मुक्तादि एवं नीलाद्री, इन पर्वतों पर धर्म की पताका हमेशा लहराती है देवी। हे प्रभु, फिर राजा विक्रमादित्य ने क्या किया? हनुमान को दिया बिठार, दक्षिण दिशा में श्री सुग्रीव ने अपना पहरा लिया लगाए, पूर्व दिशा में नव रत्न ने आकर आसन लिया लगाए, पश्चिम में दाधक के समीप में श्री गुवाक्ष जी बैठे आए, सन वाले गंध मर्दन विभीषण करते रक्षा और सहाय, राम कोट की करते रक्षा, इतने वीर वहां जुट आए, राम कोट की करते रक्षा, इतने वीर वहां जुट आए। हे देवी, उसी पावनपुरी अयोध्या में राजा विक्रमादित्य ने रामा दल के सभी वीरों के मंदिर बनवाए। जो जहां निवास करता था उन्हें वही स्थान दिया गया। ये सुग्रीव जी का टीला है और इसे हनुमानगढ़ी कहते हैं। ये साधु संन्यासियों की तपोस्थली है। ये रामा गुलेला और इसे राघव घाट कहते हैं। हे स्वामी, इसे राघव घाट क्यों कहते हैं? हे देवी, ये स्थान प्रभु श्री राम को अति प्रिय था और यहाँ एक सिद्ध संत राघव दास रहा करते थे, जिन्हें लोमश ऋषि के दर्शन भी हुए थे। कभी कभी यहाँ भक्तों को लोमश ऋषि के दर्शन भी हुआ करते हैं। ये देख रही हो देवी, ये कैकई का कनक भवन है। यहीं पर भरतलाल का जन्म हुआ था और ये सुमित्रा जी का भवन है। यहां पर लखन और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। देवी, इसकी जितनी प्रशंसा करो कम लगती है। और ये आनंद भवन है, बालापन में चारों भाई यहीं खेला करते थे। प्रभु, ये किसका मंदिर है? हे देवी, ये राजा जनक के राज्य में पुष्प वाटिका में जो खैरापति देवी शारदा हैं, ये उन्हीं का मंदिर है। इन्हें काली भी कहते हैं। पुष्प वाटिका में सीता ने जब से देखा राम को जाए, गिर जा
रही मना, राम ही तोड़े धन शंकर का, हमसे ले में विवाह रचाए, माँ तुझको ले चलू साथ में। सीता मन में सोचत जाए, माँ देव काली गिर जा माए, मिथिला से सीता ले आए, बना के इनका सुंदर मंदिर, माँ गिर जा को दिया बिठा, माँ की सेवा कर चितियाँ, जो देव काली दर्शन करता, उसके कष्ट तुरंत कट जाए, जो देव काली दर्शन करता, उसके कष्ट तुरंत मिट जाए। हे देवी, ये भरत की तपोभूमि है, इसे नंदीग्राम कहते हैं, और ये कमल पुष्प से भरा सरोवर देख रही है देवी, इसे भरत कुंड कहते हैं। प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान भरत ने इसी जगह पर बैठकर उनकी खड़ाओं की पूजा की थी। वर्ष तक करी तपस्या यहाँ महान, इसी तपस्या के करने से जीते गौतम, हारा काम, सावन मास तीज का शुभ दिन, साधु लाए सीताराम, सीताराम जी झूला झूले, भक्तों को हो हर्ष तमाम, इस दिन यहाँ पे लगता मेला, भक्त यहाँ पे जुटे पर्वत को, आवो मिलकर करे प्रणाम, ऐसे सुंदर मणि पर्वत को, आवो मिलकर करे प्रणाम। हे पार्वती, ये ब्रह्मकुंड है। सिखों के गुरु गुरु नानक साहब जब अयोध्या में प्रभु के दर्शन के लिए आए थे, तब यहीं ब्रह्मकुंड पर उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की थी और उन्हें प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए थे। बाद में नानक साहब पांचाल देश चले गए थे। जिसकी बड़ी महान, झूठी कसम यहाँ जो खाए, तुरंत निकल जाते हैं प्राण, नाग पंचमी के शुभ दिन में लगता मेला आलीशान, से नाग को दूध चढ़ाने से होता है अति कल्याण, इनके सन्मुख में जाकर के आदर पूर्वक करो प्रणाम, से नाग जी रक्षा करते, कभी नहीं करते नुकसान, शेष नाग जी रक्षा करते, कभी नहीं करते नुकसान। हे देवी, ये सरयू किनारे नागेश्वर नाथ जी का मंदिर है और इसी के समीप वाल्मीकि भवन बना हुआ है। यहीं पर महाराज दशरथ का सभा भवन था। तुलसी चोरक करो प्रणाम, गुप्त
प्रभु द्वादश ज्योतिर्लिंग और भगवान नागेश्वर की स्थापना किसने की थी? हे उमा, रघुकुल के राजा महाराज कुश ने ये मंदिर बनवाया था। और प्रभु, ये हनुमान गढ़ी किसने बनवाई थी? देवी, पूर्व काल में यह हनुमान जी का ही स्थान था जो गिरकर टीला बन चुका था। फिर यहाँ एक संत का आगमन हुआ जिन्हें अभय रामदास त्यागी कहा करते थे। वो हनुमान जी के परम भक्त थे। एक बार नवाब मंसूर अली खां सख्त बीमार पड़ गए और अभय रामदास जी की कृपा से उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। तब उन्होंने इस मंदिर का नव निर्माण कराया। हे देवी, इस अवधपुरी में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका मैं संक्षिप्त बखान कर रहा हूं। सर्वप्रथम राजा हुए श्रद्धदेव, इक्ष्वाकु, अपनेश, फिर राजा प्रभु, उनके बाद युवनास, श्री प्रमोद त्रिशेकु, हरिश्चंद्र, रोहित चप, विजय, दिलीप, भागीरथ, जिन्होंने इस पृथ्वी पर स्वर्ग से गंगा को उतार लिया। रघुकुल की कीर्ति बड़ी महान है देवी, इसका जितना भी बखान करो वो कम है। भी इसका